আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা খাতামিল আমবিয়া ওয়া সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আম্মা বা'দ, ক্বালা আল্লাহু তাআলা ফিল কুরআনিল মাজীদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াসাইনা লিনসানা বিওয়ালিদাইহি حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام, آدم کی بیٹیاں یہ سیریز لے کر آج میں پھر حاضر ہوں, وہی دلچسپ گفتگو جو ہم نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں کی تھی उसी का सिलसिला लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए आज की इस नशिस्त में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन व ख़वातीन, आपको याद होगा माँ के किरदार के हवाले से मैंने पिछले एपिसोड में हज़रत इस्माइल की वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपसे बयान किया था। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा वारज़ाहा, उनका मिसाली किरदार हमने आपके सामने पेश किया था। आज भी उसी तरह की कुछ जीती जागती मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस गुफ्तगू में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आपके बगैर ये गुफ्तगू आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो आइए, देर किस बात की है, हम ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज हम बताएँगे आपको एक ऐसी खातून का किरदार जिसे चार शहीदों की माँ होने का शर्फ हासिल है। कौन है वो, उनका नामे नामी क्या है? वो हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये वाक़या अहद फ़ारूक़ी का है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जंग क़ादसिया के लिए जब ऐलान हुआ और मुसन्ना बिन हारिसा शैबानी की कमांडरी में इस्लामी फ़ौज ने क़ादसिया का रुख किया, तो उस वक्त हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इसी लश्कर के साथ अपने चार नौजवान बेटों को लेकर रवाना हुई। क़ादसिया के मकाम पर पहुँची और जिस दिन लड़ाई होनी थी, बातिल के ख़िलाफ़ पंजा आजमाई होनी थी, उस दिन लड़ाई से पहले हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटों को जमा करती हैं, उनको समझाती हैं, तैयार करती हैं और बड़ी ही ईमान अफरोज़ नसीहत उनको सुनाती हैं। ऐ मेरे प्यारे बेटो, तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह के इताअत गुज़ार हो, तुम अपनी मर्ज़ी से आए हो, ज़बरदस्ती नहीं लाए गए। याद रखो, तुम जिस तरह एक माँ की औलाद हो, इसी तरह एक बाप के बेटे हो। मैंने तुम्हारे बाप की खयानत नहीं की और ना मैंने अपने भाइयों को रुसवा किया है। मैंने तुम्हारे हसब व नसब में कोई आयब नहीं लगाया, उसमें कोई तब्दीली नहीं की। सुन लो, तुम्हें खूब पता है कि बातिल के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या अजर व सवाब रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस कदर सवाब और इनाम रखा है। क़ुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल लदीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल अल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान लाने वालों, तुम सब्र से काम लो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहो, अल्लाह से डरो, शायद तुम्हें कामयाबी मिले और तुम कामयाब हो जाओ। तो ऐ मेरे बेटो, हज़रत खंसा की नसीहत, आगे के कलिमात सुनिए, क्या जुमला है, तारीख ने इसको अपने सफहात में दर्ज कर लिया है। हज़रत खंसा कहती हैं, ऐ मेरे बेटो, सुबह को जब सूरज निकले तो तुम बातिल के ख़िलाफ़ कमरबस्ता हो जाओ और दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़तह हासिल करने की कोशिश करो, और जब देखो कि जंग में तेज़ी और गर्मी आ गई है तो मैदान जंग में कूद पड़ो। हज़रत खंसा की ये नसीहत बच्चे सुनते हैं, उनके नौजवान बेटे समाअत फरमाते हैं, और जब सुबह होती है तो चारों के चारों सबात कदमी के साथ मैदान जंग को जाते हैं और बातिल के ख़िलाफ़ शरीक हो जाते हैं।
नतीजा क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन चारों बेटों को शहादत नसीब फरमाता है। ये ख़बर हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में पड़ती है। कैसी बहादुर खातून थी वो। जब उन्होंने अपने बेटों के शहादत की ख़बर सुनी है तो उनके मुंह पर ये जुमला था, उनकी ज़बान ने ये जुमला अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़नी बिस्तिशहादिहिम व अर्जु मिन रब्बी अन यजमअनी बिहिम फ़ी मुस्तक़र्र रहमती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए तमाम तारीफ, अल्लाह ही का शुक्र है कि उसने मुझे शहीदों की माँ बनाया और मुझे मेरे रब से उम्मीद है कि वो मुझे जन्नत में मेरे इन शहीद बेटों के साथ जमा फरमाएगा। ये हज़रत खंसा है, चार शहीदों की माँ बन जाती हैं, लेकिन बहादुरी और शुजात देखिए कि वो अपने लिए अपने बच्चों की शहादत को बाइस फ़ख्र समझती हैं, अपने लिए सआदत मंदी गर्दानती हैं, हाओ हो का माहौल नहीं पैदा करती, आहो फुगा नहीं करती, बल्कि अल्लाह का शुक्र बजा लाती हैं। ख़वातीन इस्लाम, क्या कभी आपने भी इस तरह का मुजाहरा किया है? क्या कभी ऐसा किरदार आपने भी निभाने का आज़म किया है? यही वो बहादुर ख़वातीन थीं जिनकी तरबियत, जिनके ज़ेर साया पल कर ये बहादुर जवान पैदा हुए थे, जिन्होंने इस्लाम के लिए वो कारनामे अंजाम दिए कि तारीख़ के सफहात में आज भी वो कारनामे लिखे हुए हैं। इंसानियत जब तक इस दुनिया में रहेगी उन्हें पढ़ती रहेगी, नसीहत हासिल करती रहेगी। और ये एक नहीं, इस तरह की बहादुर ख्वातीन हैं जिन्होंने माँ होकर एक अच्छा किरदार निभाया है, अपने बेटों की तरबियत के ताल्लुक़ से, अपने बेटों की परवरिश और परदाह के ताल्लुक़ से, अपने बेटों की दीनी और इस्लामी तालीम के ताल्लुक़ से। आइए, क्या आपने मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, इनकी वालिदा का वाक़या सुना है? इमाम बुखारी का नाम आपने बहुत सुना है, वो इमाम बुखारी जिन्होंने सही बुखारी को तरतीब दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सही अहादीस को खंगाला, जमा किया, याद किया, जांचा और पड़ताला, और सही अहादीस का अहतमाम करते हुए तमाम शराइत और कंडीशंस के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सही बुखारी में दर्ज किया। वही इमाम बुखारी जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है, उनकी वालिदा का वाक़या सुनिए। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इस तरह से मशहूर और नामचीन कैसे हुए? किसकी तरबियत में रहे और किस माँ ने इनको अपनी तरबियत में रखकर, अपनी आगोश में रखकर ये तरबियत दी कि इतने बड़े आलिम बने और इस तरह से इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि आज वो किताब जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के नाम से तरतीब दी है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नतें और अहदीस दर्ज हैं, उस किताब का मकाम ये है। मुहद्दिसीन कहते हैं असह किताबिन बादा किताबिल्लाह अल बुखारी, अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब इस रूए ज़मीन पर वो इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी, जिसमें उन्होंने नबी सल्लम की अहादीस को दर्ज फरमाया है। इमाम बुखारी की वालिदा कौन थी? इमाम बुखारी की वालिदा ने कैसे तरबियत की? वाक़ा ये है कि इमाम बुखारी बचपन में जब इनकी विलादत हुई तो कुछ अरसे के बाद इनके वालिद इस्माइल का इंतकाल हो गया, जो आलिम दीन थे, अपने ज़माने के एक मशहूर आलिम थे, लोग उनसे इस्तेफादा किया करते थे। लेकिन उनका इंतकाल हो गया तो मोहम्मद बिन इस्माइल के तरबियत की तमाम तर ज़िम्मेदारी उनकी वालिदा पर आ गई। उनकी वालिदा अपने बच्चे को आलिम और फ़ाज़िल बनाना चाहती थी, दीन इस्लाम का खादिम बनाना चाहती थी, ये तमन्ना उनके दिल में थी। लेकिन वही मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी जो अपनी माँ की गोद में तरबियत पा रहे हैं, परवरिश पा रहे हैं, तालीम शुरू हो चुकी है, एक वक्त ऐसा आया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए और उस बीमारी में उनकी दोनों आँखें चली गईं, नाबीना हो गए। सुभान अल्लाह, माँ की तकलीफ़, माँ का रंजो आलम बढ़ गया। ऐ अल्लाह, ये मेरा बेटा जिसके वालिद अभी हयात नहीं हैं, जिसकी तरबियत मेरे ज़िम्मे है, ऐ अल्लाह मैं तो इसे आलिम और फाजिल बनाना चाहती थी, लेकिन ऐ अल्लाह मेरे बेटे की आँखें चली गईं, आखिर मेरा बेटा अपने उस्ताद की दरसगाह तक कैसे जा सकेगा? आखिर ये मेरा बेटा, इसे कौन ले जाएगा दरसगाह तक? ये कैसे सफ़र कर सकेगा किसी शहर या देहात का?
जबकि तलब इल्म का मैदान ऐसा है जिसमें इंसान को सफ़र भी करना होता है। ऐ अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है, मेरे बेटे की बिनाई वापस लौटा दे। यही इमाम बुखारी की वालिदा हैं, अपने बेटे के लिए दुआ करती हैं, पंजोख्ता नमाजों में दुआएं मांगती हैं, रातों को उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिरिया उजारी करती हैं, अपने बेटे के लिए उसकी सेहत के लिए दुआएं करती हैं। ऐ अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है, मेरे बेटे की बिनाई भी तू लौटा सकता है, अल्लाह तू लौटा दे। लेकिन क्या होता है, क्या इमाम बुखारी की बिनाई वापस आ गई? क्या उनकी वालिदा की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई? ये मौजू चल रहा था, इसलिए कि इमाम बुखारी बचपन में बीमारी की वजह से नाबीना हो गए थे, उनकी आँखें चली गई थीं और इस तरह वो देखने से माजूर हो गए थे। लेकिन उनकी माँ हिम्मत ना हारी, वो मायूस ना हुई, पंजोख्ता नमाजों में वो दुआएं करती रहीं, रात में उठकर तहज्जुद के वक्त भी वो अल्लाह से मांगती रहीं, ऐ अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, तेरे बेटे की ये आँख जो चली गई है तू वापस ला सकता है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। होता ये है कि एक रात इमाम बुखारी की वालिदा सोई हुई हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आते हैं और कहते हैं, ऐ बड़ी बी, तुम्हारे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, उनकी बिनाई वापस आ गई है। सुभान अल्लाह, ये बात ख्वाब में उनको बताई जाती है। सुबह को उठती हैं, अपने बेटे को जगाती हैं, क्या वाकई मेरा बेटा आँख वाला हो गया है, उसकी बिनाई वापस आ गई है? बेटा जगता है, आंखें मलता हुआ अपनी आंखें खोलता है, आंखें जग जग कर रही हैं, माँ की खुशी की इंतहा ना रही। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे की बिनाई वापस कर दी, ऐ अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली, ऐ अल्लाह मैं अपने इस बेटे को आलिम फाजिल स्कॉलर बनाना चाहती हूँ, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। इस तरह से ख़वातीन इस्लाम, एक माँ ने ये किरदार निभाया कि वो मायूस ना हुई, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो हिम्मत ना हारी, अल्लाह पर तवक्कुल का सबूत उसने दिया, अल्लाह से ताल्लुक़ की एक मिसाल उसने कायम की कि अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनके बेटे की बिनाई वापस लौटा दी। यही मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी हैं जिनको उनकी वालिदा पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, हर मुमकिन जिद्दोजहद करती हैं, बिलाखिर उनके माँ की मेहनत रंग लाती है, उनकी तरबियत उसका एक असर होता है और यही आगे चलकर एक मुहद्दिस के नाम से जाने जाते हैं जिनको दुनिया इमाम बुखारी के नाम से याद करती है। ख्वातीन इस्लाम, क्या कभी आपने गौर किया है कि इमाम बुखारी के इस नाम के चर्चे में, इमाम बुखारी की शोहरत के पीछे उनकी माँ का हाथ है, उनकी माँ की तरबियत है, उनकी माँ की दुआएँ हैं? यही माएँ थीं जिन्होंने अपनी तरबियत और अपनी दुआओं से अपने बच्चों को इस कदर पाला पोसा कि बड़े होकर इस दुनिया में भी उनके लिए नेकनामी का सबब बने और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी ये अपने माँ बाप के लिए सिफारशी होंगे। क्या ये फरीज़ा हमारे माशरे की ख़वातीन अंजाम नहीं दे सकती हैं? लेकिन आज मामला उल्टा है, हमारे यहाँ ख़वातीन बात बात पर अपने बच्चों को बददुआएँ देती हैं, बेटे ये सामान ले आओ, बेटा खेल रहा है उसने नहीं सुना, अल्लाह तुझे गारत करे। ये कौन कहता है? कोई और नहीं, बच्चे की माँ कहती है। ख़वातीन इस्लाम, क्या ये जुमला आपकी ज़बान से निकलना मुनासिब है? नहीं, आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। अगर आप अपने बच्चे को दुआ नहीं दे सकती हो, कम से कम बददुआ देने से अपनी ज़बान को बचा कर रखो। अपने बच्चों को अगर कुछ देना चाहती हो तो उन्हें दुआए खैर दो। यही बच्चे इंशाअल्लाह अगर आपकी तरबियत रही, आपने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया, तो आपके लिए सख्ते जारियाँ हैं, यहाँ भी नेकनामी का सबब है और आपकी आँखें बंद हो जाने के बाद भी इनके हाथ उठेंगे, दुआएँ ये करेंगे, इनकी दुआएँ आपके नाम आमाल में दर्ज होंगी और इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं कि माओं ने अपना किरदार निभाया है। रबियातुर राय की वालिदा को कौन नहीं जानता? और अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए आज इस मिसाली माँ का किरदार भी मैं आपको बता दूँ, इसलिए कि मेरा मौजू ही है माँ का किरदार।
रबियत उर्राय इनके वालिद फर्रूख हैं, बल्कि जब रबियत उर्राय की वालिदा हमल से थीं उस वक्त उनके शौहर फर्रूख महाज़े जंग पर चले गए। अपने महाज़े जंग पर जाते हुए उन्होंने अपनी बीवी को 30,000 अशरफियाँ दीं, ये लो मेरी बेगम, आप अपनी ज़रूरियात इससे पूरी करते रहना। और इस तरह वो अपने घोड़े पर सवार हुए और चले गए। समरकंद व बुखारा फतह करते हुए एक लंबा अरसा उन्होंने बिताया। घर से बाहर रहे, मुर्रखी ने लिखा है, तकरीबन 27 साल का अरसा गुजर गया कि रबियतुर्राय के वालिद फर्रूख घर से बाहर रहे, घर ना सके, इसलिए कि महाज पर महाज फतह करते जा रहे थे। ये फतूहात का ज़माना था। इधर घर में रबियतुर्राय की वालिदाएँ रबियतुर्राय की परवरिश कर रही हैं। 30,000 दीनार उनको अता हुए हैं, अपने बेटे की तालीम पर खर्च कर रही हैं। ये बेटा पढ़ लिख करके आलिम होता है, अपने वक्त का एक मशहूर आलिम बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तफक्कुह फिद्दीन अता फरमाता है। मुर्रखी ने लिखा है कि जब ये बड़े हो जाते हैं और इनका हल्का दर्स लगता है, उस उम्र में रबियतुर्राय के वालिद फर्रूख तकरीबन 27 साल के बाद अपने घर वापस आते हैं। वो अपने बेटे को नहीं पहचानते, ना उनका बेटा उन्हें पहचान रहा होता है, इसलिए कि अभी तक बाप बेटे की मुलाकात ही नहीं हुई थी। हुआ ये कि रबियतुर्राय के वालिद फर्रूख अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर पहुंचते हैं, दरवाज़े पर दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खुलता है और घोड़ा समेत अपने घर में दाखिल होते हैं। बेटा रोक लेता है, आप कौन हो, मेरे घर में क्यों आ रहे, मेरी माँ यहाँ पर है, आपको शर्म नहीं आती? मुर्रखी ने लिखा कि रबियतुर्राय अपने वालिद से दस्त ब गरीबा हो जाते हैं, दोनों में ऐसा महसूस होता है कि हाथापाई हो जाएगी, इसलिए कि ना बाप बेटे को पहचान रहा और ना बेटा बाप को। हालत हमल में थी बीवी जब ये सफ़र पर चले गए थे, माज़े जंग इन्होंने संभाल लिया था। ऐसे में जब आवाज़ बुलंद होती है तो रबियतुर्राय की वालिदा के कानों तक आवाज़ जाती है, वो सुनती हैं और करीब आती हैं। रबिया, ये तुम्हारे वालिद फर्रूख हैं, बेटे जब तुम हमारे पेट में थे तो तुम्हारे वालिद महाज़े जंग पर गए हुए थे, लंबे अरसे के बाद ये वापस हो रहे हैं, ये तुम्हारे वालिद हैं जो तुम्हारे घर में आए हैं। रबियतुर्राय उन्हें छोड़ देते हैं, अब्बा को अहलन व सहलन कहते हैं। बहरहाल बीवी से मिलकर फर्रूख बहुत खुश होते हैं, बीवी उनकी मेहमान नवाजी करती हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करती हैं। कुछ अरसे के बाद जब इत्मीनान होता है तो फर्रूख पूछते हैं अपनी बीवी से, ऐ मेरी बेगम, ज़रा ये बताओ कि मैंने तुमको 30,000 अशरफियाँ दी थीं, तुमने उसे क्या किया, किस काम में लगाया? उनकी बीवी जवाब देती हैं, मैंने उन अशरफियों को दफन कर रखा है, आप ज़रा सुकून हासिल कर लें, नमाज पढ़ कर के आ जाएं, इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगी, उसे वापस कर दूंगी। अजान होती है, रबियतुर्राय के वालिद फर्रूख नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज के बाद देखते हैं मिंबर पर बैठकर एक नौजवान लोगों को दर्स दे रहा है। उस नौजवान ने रुमाल से अपने सर को ढांपा हुआ है, जिसकी वजह से उनका चेहरा बराबर जाहिर नहीं हो रहा। नमाज पढ़ने के बाद फर्रूख, जो एक लंबे अरसे के बाद वापस हुए थे, वो लोगों से पूछते हैं कि ये कौन सा जवान है जो लोगों को दर्स दे रहा है, किसका बेटा है? लोग कहते हैं ये रबियतुर्राय है, ये रबियतुर्राय हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि यही वो रबियतुर्राय हैं जिनके दर्स में बैठकर इमाम मालिक ने तालीम हासिल की है, इमाम मालिक जिनके शागिर्द हैं। रबियतुर्राय, मेरा बेटा लोगों को दर्स दे रहा है, मेरा बेटा आलिम है, मेरा बेटा, उसका ये मकाम, बड़े बड़े लोग बैठ करके तालीम हासिल कर रहे हैं। घर वापस जाते हैं, बीवी से महवे गुफ्तगु होते हैं, मेरी रफीक़ हयात, ये रबिया लोगों को दर्स दे रहे हैं, तुमने इन्हें आलिम बनाया, तुमने इसे फाजिल बनाया? फर्रूख की बीवी जवाब देती हैं, रबियतुर्राय की वालिदा, अच्छा आप बताइए मेरे सरताज,
कि आपको 30,000 दीनार 30,000 अशरफियाँ जो थीं वो प्यारी हैं या आपके बेटे का ये मकाम और मर्तबा आपको प्यारा है, आप किसे तरजीह देंगे? फर्रुख जवाब देते हैं, मेरे बेटे का मकाम उसे अशरफियाँ कैसे पा सकती हैं, अशरफियों का क्या वैल्यू जो मेरे बेटे का मकाम और मर्तबा है जिसकी वजह से हमें भी इज्जत मिल रही है, मैं कई अशरफियाँ कई हज़ार अशरफियाँ उसके लिए क़ुरबान कर दूँ। तब रबीतुर राय की वालिदा कहती हैं, मेरे सरताज वो 30,000 अशरफियाँ जो आपने मुझे दिया था, मैंने इसी बच्चे की परवरिश में मैंने इसी बच्चे की तालीम और तरबियत के पीछे ख़र्च किया है। तब जाकर आपका बेटा आज आलिम और फाजिल बना है, आज लोगों को दर्स दे रहा है और अच्छे अच्छे लोग बैठ करके उससे इल्म हासिल कर रहे हैं। ख्वातीन इस्लाम, इस वाक़े से हमें क्या इबरत मिला? रबीतुर राय की वालिदा ने क्या फरीज़ा निभाया? कौन से किरदार को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है? बहुत अहम किरदार वो ये है कि हमारे पास अगर जायदाद है, हमारे पास अगर दौलत है, तो हमें ये दौलत अपने बच्चों की इस्लामी तालीम पर भी खर्च करनी चाहिए। ये इस्लामी तालीम ये बहुत ही बड़ा असासा है। अगर हमारे बच्चे आलिम हो गए, हमारे बच्चे फाजिल हो गए, तो ये हमारे लिए इस दुनिया में भी कारे सवाब हैं, सदक़े जारियाँ हैं, और इंशाअल्लाह आंखें बंद हो जाने के बाद भी इनकी दुआएं काम आएंगी। मेरी बहनों, प्यारी माओ, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो जायदाद दिया है, तो आप उसे अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। कौन सी तालीम? वो तालीम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने वाली हो, और यकीनन वो दीनी तालीम है। यह है माओ का किरदार कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से अशरफियाँ खर्च करके आलिम और फाजिल बनाया है, इसलिए इसका फ़ायदा उनको दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी मिलने वाला है। बात बड़ी दिलचस्प हो रही थी, लेकिन मजबूरी है, मैं आपसे आज यहीं पर इजाज़त चाहूँगा, लेकिन वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं फिर इस सीरीज़ को लेकर हाजिर होऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।